लोग गमगीन होते हैं, सुने जरा गौर से, गम होता है कोई और गम से जाहिर हर आदमी परेशान होता है। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन का सुरा हमको हो, जिस आदमी के गम ज्यादा हो, जिस आदमी के गम ज्यादा हो तो उसको ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वबनु अब्दिका वबनु अमतिका, ए अल्लाह मैं आपका बंदा हूँ और आपके बंदे का बेटा हूँ और आपकी पत्नी का बेटा हूँ, यानी माँ बाप मैं भी आपका बंदा और मेरे माँ बाप भी आपके बंदे, वफी कब्जती का और मैं आपके काबू में हूँ, जो कुछ भी है मेरा तो मैं ना कोई इख्तियार नहीं है ना आपके काबू में हूँ, नासियती बेदी का मेरी पेशानी आपके कब्जे में है, माफी फिया हुक्म का मेरे बारे में आपका फैसला नाफिज होता है, आपका हुक्म चलता है, अजमन फिया कदा होगा जो कोई फैसला आप करें मेरे लिए वही इंसाफ है, अस्अलुका बिकुल इस्मिन हुवा लका, ए अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ आपके हर उस नाम के साथ, समझ तो नहीं अक्सर का जो आपने अपना नाम रखा है, अपने बंदों को इल्हाम किया है, या अपने पास उसको महफूज रखा है। अल्लाह ताला के कुछ नाम ऐसे भी हैं जो अभी तक अल्लाह ने दुनिया में नहीं बताए, बंदों को नहीं बताए, ऐसा लगता है कि कयामत के दिन उनको बताया जाएगा जिनके लिए सब कुछ हुआ है। हजरत असाद अल मसूद साहिब मकाम महमूद हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन जब वो शफाअत का वक्त आएगा तो उस हदीस में हदीस शफाअत की ये है कि मैं अर्श के नीचे एक सजदा करूंगा और उस सजदे में अल्लाह ताला की ऐसे करूंगा कि जो उससे पहले कभी नहीं की गई होगी, तो ऐसा समझ में आता है वो उसी वक्त उठा होगा, उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर को इल्म अता किया जाएगा जिस इल्म की रोशनी में बारी ताला की हम फरमाएंगे जो उससे पहले नहीं की गई होगी, तो ऐसे नाम भी है अल्लाह के, मगर अल्लाह का और हुजूर का एहसान देखें कि हमें उन नामों के वास्ते से भी दुआ करना सिखा दिया, जो नाम बताए नहीं गए उन नामों के वास्ते से भी अल्लाह मैं आपसे मांगता हूँ, क्या मांगता हूँ सुनो बस मैं ये सवाल करता हूं कि आप तो कुरान के खादिम हो, आए अल्लाह मैं ये मांगता हूं कि कुरान अजीम को मेरे दिल की रौनक मेरे दिल की बहार बना दे और मेरे गम को दूर करने का जरिया बना दे, ये है सवाल, बस ये दुआ पढ़ेगा आदमी तो गम दूर हो जाएगा, मन कसूरा हुकूहु फलियकुल, जिसके गम ज्यादा हो उसे ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वा अब्दुका वा अमतुका वा फी कब्ज़तिका नासियती बियदिका मादी फी हुक्मुका अज़मुन फी क़ज़ाउका अस्अलुका बिकुल इस्मिन हुवा लका समैत बिही नफ्सका वा ज़रतहु फी किताबिका अव अलहमता अहदा मिन इबादिका इस्तअ'सरत बिही फी मक़बूल अल-ग़ैब इंदका अन तज़अल अल-क़ुरआना अज़ीमा रबी'अ क़ल्बी वा जला हुज़्नी वा जला